अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका भाई भी खैरियत से है। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज धूप भी है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। काम गाइस ये है कि जो नहर में पानी आया था ज़्यादा, उसकी वजह से पत्थर बहुत आए थे। अब वो पत्थर साइड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पानी अब दोबारा से किसी वक्त भी आ सकता है। तो नहर अच्छी होगी तो पानी सीधा नहर से निकल जाएगा, नहीं तो पानी के साथ वो पत्थर और आएंगे, वो फिर पानी नहर में नहीं आएगा। तो गाइस कर लेते हैं पहले इस काम को। कुछ इस तरह के पत्थर आ रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये मेरे को सारा क्या अभी क्लियर करना है, उसके बाद एक जगह और पत्थर आए हुए हैं वो भी क्लियर करने हैं। तो पहले गाइस इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ। यहाँ पे मैंने ठीक कर लिया है और पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ से मैंने ठीक कर दिया है। एक जगह ऊपर भी मैं ठीक करके आ गया और अभी टाइम हो रहे हैं 12, तो गर्मी भी बहुत है। अब चलते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपके साथ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहे हैं 2:50। नाली साफ़ करने के बाद मैं अंदर आया था, फिर सो गया था। अभी उठा मैं, 2:50 हो चुके हैं और अब चलते हैं, देखते हैं पीने वाला पानी भी। जब से बारिशें गिरी हैं तब से वो पानी भी नहीं आया है, देखते हैं पाइपें हैं या है भी वहाँ पर या पानी के साथ बह गई हैं। तो गाइस चलते हैं अब सीधा वहाँ पर। तो गाइस अभी मैं रोड से चल रहा हूँ, जहाँ पे मेरा पानी, जहाँ से मैंने पानी लगाना था वहाँ से थोड़ा मैं आगे आ गया हूँ। सोचा वापसी भी पानी लगाएंगे, अगर लगाने वाला होगा तो लगाएंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ और सोचा क्यों ना थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं बारिश में क्या क्या हाल हो रखे हैं, वो देखते हैं आज, क्योंकि बारिश के बाद मैं इस रोड पर आया नहीं हूँ। गाइस अभी पहुंचा हूं मैं उस नाले के पास और यहां पे आप देख सकते हैं ये सारी मिट्टी जो है इस नाले की वजह से आई हुई है। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, यहां पे भी पानी बहुत ज़ोर का आया हुआ था। अभी मैं आपको नज़दीक लेके भी आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह कंडीशन है इस नाले की। गाइस बारिश थोड़ी गिरी थी, रात को गिरी थी, दिन को 12-1 बजे बंद भी हो गई थी, लेकिन बारिश ज़ोर की गिरी थी जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ लोगों का, ज़मीन इतनी चले गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं यहाँ पे। गाइस बारिश से पहले क्या होता था, ये जगह सारी खाली होती थी और लोग यहाँ पे आते थे, अपनी गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करते थे, मतलब कि बहुत सी जगह होती थी यहाँ पर खाली। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं रहा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं यहाँ पर, और अभी तो फ़िलहाल पानी कम हो चुका है, अभी पानी कम है, ये देख सकते हैं आप। आज भी बादल छाए हुए हैं लेकिन उसके बाद बारिश गिरी नहीं, सिर्फ बादल ही छाए लेकिन बारिश नहीं आई। और यहाँ से वैसे वाटरफॉल का नज़ारा आप देखें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस कुछ इस तरह की कंडीशन हो रखी थी इस नाले की, बहुत कुछ बह गया है इस नाले की वजह से भी। वहाँ तक आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तो गाइस अब चलते हैं हम यहाँ से वापस और फिर देखेंगे अपना पानी लगाएंगे, उसके भी उसकी कंडीशन भी देखेंगे। वहाँ पे भी जो नाला था उसने भी बुरी हालत कर दी है, अब चलते हैं वहाँ पे। ये पाइप हमारी पूरी बेंड हो चुकी है और ये पाइप जो है ये भी बेंड हो चुकी है तकरीबन, बाकी ऊपर आप देख सकते हैं एक भी पाइप नहीं बची है, सारी पाइपें क्या वो यहाँ से गिर चुकी हैं, बह चुकी हैं वो पाइपें। और अभी चलते हैं घर की तरफ क्योंकि पानी तो आने वाला नहीं है, पानी तभी आएगा जब 2-4 बंदे और होंगे, तब जाके क्या हमारा पानी आ सकता है। अभी बात भी करनी पड़ेगी, पाइपें भी लानी पड़ेंगी, मतलब एक नए सिस्टम से दोबारा हमें पानी के यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। तो गाइस अभी आया हूँ मैं पुल पे, सोचा क्यों ना यहाँ से थोड़ा सा व्लॉग ले लूँ, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही अच्छा है, शाम का टाइम है, 4 बज रहे तकरीबन, और पीछे वाटरफॉल देख रहे आप कितना खूबसूरत दिख रहा है, वो भी शानदार दिख रहा है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है। और अभी मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कितना अच्छा वाटरफॉल दिख रहा है यहाँ से, मतलब कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है साथ में, एक अलग ही नज़ारा आता है यहाँ पे जाके। अभी मैं आपको बाहर की तरफ का व्यू भी दिखाऊँगा और फिर हम यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तरफ आप देख सकते हैं, ये देखो ये पानी जा रहा है। तो पहले व्लॉग में मैंने वो नीचे से शूट लिया था, वहाँ से आपको दिखाया था जब ये पानी गंदा चल रहा था, बिल्कुल गंदा चल रहा था,
तो गाइस एक बात है, बारिश की वजह से पूरी ज़मीन जो है वो धुल चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। यहाँ से पानी जा रहा था गाइस देखो, और अभी तो पानी काफ़ी कम हो चुका है। नॉर्मली 90% पानी कम हो चुका है, 10% बचा है बाकी, क्योंकि पानी तो सारा फ्लड जो है वो बारिश की वजह से था। तो गाइस कुछ इस तरह का व्यू है आज का हमारा। अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं घर की तरफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो फाइनली गाइस शाम के बज रहे हैं 5 और मैं बैठा हूँ अपने घर के ऊपर, क्योंकि शाम को बैठने का मज़ा ही कुछ और है। अभी थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी और धूप भी चले गई है, तो खास गर्मी भी नहीं है, मीडियम सी हो रखी है। तो सोचा क्यों नहीं यहीं भी थोड़ा बैठकर रेस्ट किया जाए और अपने व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूं। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगती है, आई होप कि आपको अच्छी लगती होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिस्टर रियाज व्लॉग्स को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।